अवैध रूप से रखे धान बीज स्टॉक पर की छापेमारी कार्रवाई, 12 क्विंटल की जब्ती। अनुविभागीय अधिकारी गंडई रेणुका रात्र को मोबाइल पर सूचना मिली कि गवर्धा रोड स्थित सुनील कुमार अग्रवाल के धर्मकांटा में अवैध रूप से धान के सीड्स का स्टॉक किया गया है, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा कल 7 अगस्त सोमवार को दोपहर लगभग 12 बजे मौके पर जाकर कार्रवाई किया गया। चूंकि मामला कृषि विभाग से संबंधित होने के कारण कृषि विभाग के अधिकारी को मौके पर बुलाया गया था। उक्त घटनाक्रम में विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जंघेल कृषि सेवा केंद्र, जिसका प्रोपाइटर जलेश जंघेल है, उनके द्वारा सुनील अग्रवाल के धर्मकांटा में स्थित जगह को किराया में लेकर विभाग को बिना सूचना के डंप किया गया था, जहां निरीक्षण में 12 क्विंटल महामाया स्वर्णा IR64 किस्म की धान की सीड्स का अवैध भंडारण किया गया था। उक्त विषय पर किसी ने शिकायत गंडई SDM रात्रे से किए थे। मौके पर टीम जब पहुंची तो जांच शिकायत सही मिला। मौके पर 51 बोरी अलग अलग वजन के अनुसार 12 क्विंटल धान बीज शीड मिला। उक्त मामले पर बीज की बोरियों को जब्त कर धर्मकांटा के मालिक के सुपुर्द किया गया, और वहीं इस मामले पर अनुविभागीय कृषि विस्तार अधिकारी वीरेंद्र डहरिया खैरागढ़ के द्वारा बताया गया कि उक्त मामले पर पंचनामा तैयार कर उप संचालक कृषि R. सोलंकी सर को दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। पूरे कार्रवाई के दौरान SDM रेणुका रात्रे, तहसीलदार अमरदीप अंचल, कृषि विभाग SDO वीरेंद्र डहरिया और उनकी टीम उपस्थित रहे। आधिकारिक संबंध बताएंगे। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि जनेंद्र जंगल जो जंगल कृषि केंद्र चलाते हैं, उनके द्वारा किसी अन्य स्थान पर बीज खाद डंप करके रख रहे हैं, जो कि पुराना है। तो सूचना के आधार पर हम लोग पहुँच के वहाँ कार्रवाई किए, तो वहाँ पे करीब 53 बोरियाँ बीज की पाई गई। तो उनके पास किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस पर जब्ती की कार्रवाई की है और आगे जो प्रकरण है वो कलेक्टर महोदय की कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, तो वहाँ से भी आगे बताया। इसमें से क्या जाएगा? हाँ, इसमें कौन सी सूचना आई जी? आपका नाम आप बताएंगे? सर बताएंगे आज क्या कार्रवाई किया गया है कृषि विभाग द्वारा? आज औचक निरीक्षण किया गया है SDM सर और तहसीलदार सर और SDM मैडम के द्वारा। हमको सूचना दिया गया कि अवैध रूप से यहां पर धान का भंडारण किया गया है करके, तो यहां पर आए हम लोग, देखे तो जंगेल कृषि केंद्र जिसके प्रोपराइटर हैं झलेश जंगेल और जो सुनील कुमार अग्रवाल, उनके यहाँ ये भंडारण कराए थे, जिनका उनके लाइसेंस में स्थान का नाम उल्लेख नहीं था। इस कारण से वहाँ पर उनको जब्त करके श्री सुनील कुमार अग्रवाल को उनको सुपुर्द कर दिया गया है, और ये आगे की कार्यवाही अब कलेक्टर साहब को इसको सौंपेंगे। सर आपका नाम और पद पूरा बताएंगे? मेरा नाम गंडई से रवि रजक की रिपोर्ट। बस देखते रहिए CG Vision TV।